नमस्कार दोस्तों, महाराज उर्दू पासी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके बीच एक बेहद शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। जो उत्तर प्रदेश में 17 उपजातियां थी जो अनुसूचित जाति की लड़ाइयां लड़ रही थी, उनके बारे में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो। साथियों, कुछ जातियों द्वारा पासी जाति को इतिहास को लेकर टारगेट किया जाता है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। साथियों, जब 17 उपजातियां अपने एक समान कुल या वंश व समान पेशे वाली मूल जातियों से जुड़ने व अनुसूचित जाति में आने के लिए आवाज़ उठा रही थी, तब साथियों लगभग सभी जातियों ने सरकार को अपने अपने जातीय संगठन के लेटर पैड के माध्यम से अवगत कराया था। उनमें से कुछ जातियों के संगठनों के लेटर पैड आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप कुम्हार मतलब प्रजापति संगठन का लेटर पैड देखिए। साथियों, यह संगठन है अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ, यह रजिस्टर्ड संगठन है। साथियों, अब इस पे क्या लिखा है, 2017 के अनुपालन में दिनांक 24/6/2019 को फैसला लिया है, अति पिछड़ा वर्ग की कहार कश्यप केवट मल्लाह निषाद कुम्हार प्रजापत धीवर बिंद भर राजभर धीमर बाथम त्रेहा गुड़िया मांझी तथा मछुआ को पिछड़े वर्ग के बजाय अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र एवं लाभ देने का आदेश एवं उक्त 17 अति पिछड़ी जातियों को केंद्रीय सूची में भी शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव पास कराकर महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुमोदित आदेश प्रत कराने के संबंध में। साथियों, यह लेटर पैड जिला अधिकारी को लिखा गया है और 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मांगा गया है। साथियों, अब मैं बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हरि नारायण राजभर का लेटर पैड दिखाना चाहूँगा। लिखा है, आदित्यनाथ से विनम्र निवेदन है कि राजभर जाति एवं निषाद जाति सहित अन्य 17 पिछड़ी जातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एवं इन 17 अति पिछड़ी जातियों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थितियों में सुधार के लिए अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह सभी उपयुक्त अति पिछड़ी जातियां बिना शासन सत्ता के सहयोग के अब अपनी आर्थिक शैक्षणिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं कर सकती हैं, इसलिए वर्तमान भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार एवं भाजपा राज्य सरकार से विनम्र निवेदन है कि उपयुक्त सभी 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण किसी भी कीमत पर उपलब्ध कराने की कृपा करें। अब राजभर जाति के लोग अनुसूचित जाति में आने के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं। साथियों, ये वही बात हो गई लोमड़ी वाली कि अगर अंगूर मिल गए तो मीठे हैं, नहीं मिले तो खट्टे हैं। क्योंकि पासी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, इसलिए यह लोग पासी जाति को टारगेट करते हैं, लेकिन अब उसी अनुसूचित जाति में आने के लिए खुद दर दर ठोकरे खा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार में रहे मंत्री संजय निषाद जो निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका भी लेटर पैड देखें। साथियों, संजय निषाद जी ने बिल्कुल क्लियर लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, महोदय आपके माध्यम से ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए प्रस्तुत है, जो मछुआ समुदाय की उपजातियां उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची के क्रम संख्या 18 में बेलदार, क्रम संख्या 36 में गोंड, क्रम संख्या 53 में मझवार, क्रम संख्या 66 में तुरेहा हैं, जो मछुआ समुदाय के कहार कश्यप केवट मल्लाह निषाद रैखवार धीवर बिंद धीमर बाथम तुरहा और गुड़िया मांझी मछुआ उपजातियां हैं। क्रम संख्या 18 पे बेलदार के साथ साथ बिंद, क्रम संख्या 36 के साथ गोंड के साथ गुड़िया कहार कश्यप बाथम और क्रम संख्या 53 के साथ मझवार के साथ मल्लाह केवट मांझी निषाद मछुआ, क्रम संख्या 66 में तुरेहा के साथ तुरहा धीमर धीवर और क्रम संख्या 59 के साथ पासी तारमाली के साथ भर राजभर जोड़ा जाए, ठीक है। यह डिमांड संजय निषाद जी ने किया है। आगे क्या लिखा है उस पर देखते हैं। आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश की मछुआ समुदाय सहित सभी अति पिछड़ी जातियां जिसमें कहार कश्यप केवट मल्लाह निषाद कुम्हार प्रजापत रैखवार धीवर बिंद धीमर बाथम तुरेहा गुड़िया मांझी मछुआ भर और राजभर जातियां जो संविधान की अनुसूचित जातियों की समूहों की सूची में 1950 से शामिल हैं। अब मैं अनुसूचित जाति की लिस्ट भी दिखाऊंगा। साथियों, अब हम आ गए संविधान की अनुसूचित जातियों का आदेश 1950 की सूची पर, ठीक है। अब ये देखो उत्तर प्रदेश, हमारा मामला उत्तर प्रदेश का है, तो हम आगे उत्तर प्रदेश की संख्या क्रम संख्या अब 59 दिखाता हूँ आपको। ये रहा साथियों क्रम संख्या 59 पर, देखे क्रम संख्या 59 पर दर्ज है पासी तारमाली, और संजय निषाद जी ने बताया है कि इसी पासी तारमाली की उपजाति भर राजभर है। साथियों, अब इन्होंने आधार क्या माना है वह देखते हैं।
इन्होंने आधार माना है संविधान का आर्टिकल 341। इन्होंने बताया है कि संविधान का आर्टिकल 341 जो कहता है उसके आधार पर पासी तारमाली की उपजाति भर और राजभर है। तो साथियों अब मैं आपको दिखाता हूँ संविधान का आर्टिकल। साथियों ये रहा संविधान का आर्टिकल 341। तो साथियों यहाँ लिखा अनुसूचित जातियाँ राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों को मूल वंशों, मूल मतलब जो मुख्य जाति है उनकी मुख्य जाति है, या जनजातियों तथा अथवा जातियों मूल वंशों या जनजातियों के भागों को जिसे हम उपजाति कहते हैं, वो भाग होते हैं, भागों या उनमें के यूथों को निर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थ उस राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा। साथियों अब इसका विश्लेषण भी समझना बहुत जरूरी है। यदि कोई जाति अनुसूचित जाति में है और उस क्षेत्र में उससे संबंधित कोई जाति है या उपजाति है जिसका मूल सिद्धांत या पेशा उसकी मूल जाति से संबंधित है या उसकी उपजाति रही हो उसे भी अनुसूचित जाति का ही यह है आदेश संविधान के अनुच्छेद 341 का। इसी अनुच्छेद 341 के कारण वह सभी जातियां अपने अपने स्तर पर सरकार से अपनी मूल जाति से जुड़ने के लिए अनुसूचित जाति में आने के लिए लड़ रही थी लेकिन सरकार इनकी बात। फिर यही 17 उपजातियां एक साथ आकर विचार विमर्श करती हैं और विचार विमर्श करने के बाद एक महासंघ का गठन करती हैं। उस महासंघ का नाम दिया जाता है कश्यप निषाद बिंद मांझी राजभर महासंघ। यह महासंघ सभी वंचित जातियां व उपजातियों के नाम, फिर वह सभी जातियां एक साथ आकर उस महासंघ के लेटर पैड के माध्यम से सरकार को अपनी मूल जाति से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी जातियों का प्रपोजल स्वीकार तो कर लिया था लेकिन कोर्ट ने यह प्रपोजल खारिज करते हुए कहा कि इस पर केंद्र सरकार ही कोई निर्णय ले सकती है। साथियों इस महासंघ के लेटर पैड पर सरकार से क्या मांग रखी गई थी यह भी अब ये देखिए। इसमें लिखा है ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए प्रस्तुत है जो मछुआ समुदाय की उपजातियां उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची के क्रम संख्या 18 में बेलदार, क्रम संख्या 36 में गौड़, क्रम संख्या, साथियों सब वही लिखा है, आगे मैं थोड़ा इसके आगे लिखा है, क्रम संख्या 59 पर पासी तारमाली के साथ भर और राजभर को अब पर्यायवाची उपजातियों को परिभाषित किया जाना है। पर्यायवाची कौन? जो उनकी मूल जातियां हैं, जो एक समान जाति हैं, जो एक जैसी जाति उपजाति हैं, जिनका पेशा एक समान है, जो मिलती जुलती जातियां हैं उनको पर्यायवाची कहते हैं। तो उनको चिन्हित करना चाहिए, इस पर लिखा हुआ है ठीक है। क्रम संख्या 59 पर भर और राजभर को पासियों से जोड़ने के मकसद से इस पर लिखा गया हुआ है ठीक है संविधान का। तो साथियों ये जो सोशल मीडिया, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कि सोशल मीडिया पे गंद ना फैलाएं, सोशल मीडिया पे कुछ और वास्तविकता में कुछ और। अनुसूचित जाति के दर्जे के लिए ये लोग पासी बन जाते हैं और जो पासी अनुसूचित जाति में है उसको ये लोग अपमानित करते हैं।